ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। शहर में जब रात को लोग सो रहे थे तो उसी वक्त जो है सोशल मीडिया की जो है घंटियां लगातार बजने लगी और सभी सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है ये मैसेज आ रहे थे कि शहर में एक बहुत ही बड़ा जो है झटका सामने आया, यानी कि शहर में एक दिन में ही जो है 15 कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए हैं, जिसमें से उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के सम्राट अशोक नगर से जो है 10 मरीज सामने आए हैं। वहीं से उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के चोपरा कोट ब्राह्मणपाड़ा परिसर से जो है 4 मरीज सामने आने की जो है खबर आई थी। उसके साथ ही उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 गोल मैदान परिसर के पास भी जो है एक मामला सामने आया था। तो इसी तरीके से जो है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 में जो है लंबे समय से कोई मामला सामने नहीं था, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर परिसर में जो है मामले नहीं थे, लेकिन गोल मैदान परिसर में जो मामला आया उसके बाद जो है आसपास के परिसर में जो है एक खौफ का माहौल है, क्योंकि पहला जो है मामला उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 या 2 की तरफ जो है सामने आया है। वहीं पे ये भी हम कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये देखने को भी मिल रहा था कि 2 नंबर साइड में जो परिसर है वहाँ पे लोग नागरिक जो है लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग को जो है फॉलो नहीं कर रहे थे, तो यहाँ से इन्हें सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से जो मामला अचानक से सामने आया ये कहीं ना कहीं जो है किसी भी वक्त और भी कई जगहों से आ सकता है, क्योंकि संक्रमण के मामले लगातार शहर से जो है अलग अलग जगहों से सामने आने लगे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है जो कि संक्रमित पाया गया है ये डोंबिवली की तरफ जो है अपने डोंबिवली के रहवासी के साथ जो है उनके जो मित्र थे उनके साथ रात के समय में किसी कार्य के लिए जो है जाया करते थे, तो उसी से जो है ये संक्रमित हुए हैं। वहीं पे इनके घर पे जो है 4 सदस्य हैं उनकी भी जो है कोरोना रिपोर्ट जाँच के लिए भेजी गई है, जिसमें से इनकी जो फैमिली के एक सदस्य है उनकी जो है बताई जा रही है परिस्थिति कि उन्हें जो है हल्का बुखार है। तो ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए जब आप इस माहौल में बाहर जा रहे हैं बाहर निकल रहे हैं तो आप जो है एक संक्रमण के खतरे भले इलाकों में जो है शहर में घूम रहे हैं, तो ऐसे में आपको पूरी तरीके से सचेत रहना है कि संक्रमण के मामले शहर में ना हो, ताकि हम जो है अपने परिवार वालों को भी जो है संक्रमित ना करें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।